भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर साहिबगंज मनिहारी फेरी घाट जहाज हादसे को उठाते हुए भ्रष्टाचार के पूरे तंत्र पर निशाना साधा है। बाबूलाल ने इस प्रकरण में स्थानीय उपायुक्त की संदिग्ध भूमिका को उजागर करते हुए उन्हें तत्काल बर्खास्त करने और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। और लूट आज से नहीं, 2 साल पहले जब झारखंड सरकार ने उस घाट की जब नीलामी की थी तो उस नीलामी में ही अपने लोगों को उस नीलामी में दिलाए। और किस प्रकार से वहां नीलामी होती है, यहाँ किसी से छुपा हुआ नहीं है साहेबगंज के। आप सबको समय पहले घटना हो गई बरारवा की, जो एक टोल नाका का जो डाक हो रहा था, आप सब लोगों को याद होगा, कोई सम भगत जी थे, अभी नाम तुरंत दिमाग से उतर रहा है, और शंभू भगत, देखिए आप सब लोगों ने याद कराया। अब उस वहां नहीं पहुंच सके, उसकी प्रशासन ने, पुलिस ने किस प्रकार से व्यवस्था की थी पाकुड़ से लेकर के बरहरवा तक, और यहाँ तक कि वो व्यक्ति वहां डाक में भी शामिल नहीं हो, उसके लिए मंत्री तक इन्वॉल्व थे, और मंत्री ने टेलीफोन लगाया वो शंभू भगत को, और उसके बाद आप सबको मैं संज्ञान में दिला रहा हूं, और फिर मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि हैं उनसे वो बात कराए, और फिर बात नहीं बनी। स्वाभाविक है, जब ओपन नीलामी होगी तो उस नीलामी में हर किसी को पार्टिसिपेट करना चाहिए, और वो व्यक्ति नहीं माना तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सके। उसके लिए पुलिस ने पूरे बरहरवा को चारों तरफ से, वो पहुंच नहीं सके, लेकिन उस व्यक्ति को पहुंचना था तो किसी प्रकार से मोटरसाइकिल से पहुंच गया। क्या बोलते हैं आजकल तो हेलमेट लगा करके सरकारी करते हैं, उसका लाभ उन्होंने उठाया और हेलमेट पहन करके वहां पहुंच गया। वहां पहुंचे तो फिर वहां मारपीट हुई पुलिस के सामने। आप सबके ध्यान में है बातों को, मैंने इसलिए आपको याद कराए, चूंकि वो भी साहेबगंज जिला के करता है और वो भी वही लोग इन्वॉल्व थे। तो मैं कह रहा था कि आज से 2 साल पहले, चूंकि प्रत्येक 2 साल में वो जो गंगा घाट की फेरी सेवा के लिए जो नीलामी होती है, 2 साल झारखंड सरकार करती है, मैंने यहां नीलामी होती है, 2 साल के बाद बिहार में नीलामी होती है। तो पिछले नीलामी में हेमंत सोरेन के, जिसको क्या कहते हैं गुर्गे लोगों ने ही उस डाक को लिया था उस गंगा नदी पर, और उसके बाद वो इल्लीगल जिसको कहते हैं वहां जहाज का परिचालन हो रहा था, बालू हो पत्थर हो बेहताशा जिसको बोलते हैं, लोग इस पार से उस पार लोग ले जाते थे, जबकि इस पार से उस पार ले जाने की मात्र 2 जहाज जिसमें माल ले जाते हैं और 2 जहाज में पैसेंजर जाते थे, उतना ही परमिशेबल था, और उसमें भी सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक ही वो चलाने का परमिशन होता है, रात में चलाने का नहीं होता है, लेकिन 24 घंटा वहां चलते रहता था, और 1-2 नहीं बल्कि 8-10 जहाज चलाया जाता था, मैंने जिसको कहते ना 24 घंटा वहां फेरी सेवा चलता रहता था, और लोड भी जिसको कहते ना ओवरलोड, उसकी जो क्षमता से कहीं अधिक जहाज में ट्रक को चढ़ाया जाता था, ट्रक में भी क्षमता से अधिक गिट्टी को लादा जाता है, आप सबको ध्यान में है, तो वहां उसको पार किया जाता था। दूसरा, जो वहां जिस घाट से चलाने की जो व्यवस्था है, जहां समदा घाट है, समदा घाट से मनिहारी घाट जाती है जहाज, लेकिन समदा घाट से जो कि दूर पड़ जाता है वहां से, तो इन लोगों ने एक नया घाट को निकाला था कि जिसको गरम घाट बोलते हैं, उस गरम घाट से जहां पर इस वक्त पुल भी बन रहा है गंगा पर, तो वहां से जहाज को इलीगल तरीके से चला जाता है, क्योंकि उस घाट सर्टिफाई नहीं है, क्योंकि उस क्षेत्र में पानी भी कम है, कहीं कहीं होता है तो दिक्कतें हो सकती है, तो वहां से, लेकिन वहीं से लोग चलाते। तो एक तो सरकार की ओर से क्या कहते हैं
भाई जो नीलामी होता है वो जोर जबरदस्ती कोई खुली स्पर्धा नहीं होती है, अपने लोगों को दिलाने के लिए किसी भी हद तक ये लोग जा सकते हैं। बरहरवा का भी आपने देखा वो 26-27 लाख में उस घाट को भी, क्या बोलते उस गंगा नदी की जो फेरी सेवा के घाट को भी नीलामी हुआ था, जो उनके गुर्गे ने ही लिया था हेमंत सोरेन के, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, कोई उसमें से मैं लुक छुप के बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद एक तो दिन रात लोग चला रहे थे ओवरलोड, फिर घाट को भी अलग और जितनी गाड़ियां चलने के प्रविशन उससे कहीं अधिक लोग चला रहे थे। और इस साल 2 साल जब पूरा हो गया, मैंने होने अब 30 मार्च को उसका समाप्त होगा, अप्रैल में बिहार चलाएगी, उससे पहले नीलामी होना था 14 मार्च को, और 14 मार्च को नीलामी के लिए जहाज की वहां जरूरत होती है कि जहाज को रखना पड़ता है कि जहाज ताकि नजदीक में रहे वो देख लेगी कि वहां की जो नीलामी जो व्यक्ति भाग ले रहे हैं उनके पास जहाज वास्तव में है कि नहीं है। तो दूसरा भी जो प्रतिस्पर्धा थे वो कलकत्ता से 10 तारीख को जहाज लेके आ रहे थे और 3 तारीख को साहेबगंज की घाट पर लगातार 3 दिनों तक गोलियां चली, 10 तारीख से लेकर के 10, 11, 12 तक गोलियां चली, जो कि 12 तारीख को संयोग से हम लोगों का भी कार्यक्रम बना हुआ था प्रदेश अध्यक्ष और हमारा कि वहीं पर साहेबगंज में कार्यक्रम था जो देवू तुरी की हत्या हुई थी उसको लेकर के वहां धरना था। और उस वक्त आकर के लोगों ने पुलिस को दिया आवेदन और उसे लेकर के हमें भी लोगों ने सर्किट हाउस में मिला और जो सेकेंड पार्टी थे जो उसमें भाग लेने वाले थे उन्हें जहाज को नहीं चलने दे रहा था। तो मैंने एसपी से बात की, एसपी ने अनभिज्ञता जाहिर की, लेकिन थोड़ी देर में मेरे व्हाट्सएप पर ही जिन 2 लोगों को गोलियां लगी थी वो फोटो लोग भेज दिया। तो फिर मैंने एसपी को फोटो भी भेज दिया, उन्होंने कहा कि भाई आप तो देखो कम से कम क्या हो रहा है यहां पर, गंगा में 3 दिन से गोलियां चल रही है और आपके यहाँ जाकर के लोग कहते हैं कि जहाज को वहां मनिहारी तक पहुंचाना, तो आपके पुलिस कुछ सुन नहीं रही है, कैसे यहाँ मचा हुआ है लोग इस प्रकार से, आप क्या चाहते हैं? बोला कि सर हम तुरंत देखते हैं। फिर उन्हें व्हाट्सएप में हमको मैसेज भी क्या रिकॉर्ड करके हम देखते हैं। और उसके बाद फिर जो सेकंड पार्टी थे उन्होंने बिहार में काफी प्रयास की, जब गोली चली इस प्रकार की तो अखबारों में भी आया तो बिहार सरकार ने उनको इजाजत दिया कि नहीं ठीक है जहाज बाद में लाइए लेकिन आप पार्टी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और फिर कटिहार में जब नीलामी हुई तो नीलामी में आप सोचिए 8 करोड़ से अधिक की बोली लगी, लेकिन हेमंत सोरेन के गुर्गों ने फिर उसको ले लिया 8 करोड़ से अधिक। मैं इसलिए इस बात को कह रहा था और मैं जो कह रहा था कि पहले ही हमने सुना था कि जब हमको पहले ही पता था किस प्रकार से इल्लीगल हो रहा है तो हमने राज्य के मुख्यमंत्री को और बिहार को भी हमने पत्र लिखा था कि हमने लिख दिया था कि भाई यहां कभी भी दुर्घटना हो सकती है, जिस घाट से चलाने की उस घाट से भी नहीं चल रहा है, दूसरा जगह से लोग चला रहे हैं। हमने सारी पूरी घटना को उस चिट्ठी में मैंने जिक्र किया है, आप सब लोगों ने देखा होगा, अब तो चिट्ठी सबके जगह वायरल भी हो गया है और घटना वही हुआ जिसकी मैंने अंदेशा व्यक्त किया था। और 24 तारीख को घटना हुई, 25 तारीख को विधानसभा में, इसके बाद सरकार ने क्या उत्तर दिया कि हम कमेटी बनाते हैं जांच कराएंगे, 4 लोगों की कमेटी। कमेटी किन लोगों की बनाई है? एससी की अपर समाहर्ता, वहां के एसडीओ, माइनिंग ऑफिसर, एमडीआई जिला के 4 लोगों की कमेटी बनाई। अब जरा सोचिए, उसके बाद मैं देख रहा था काफी लोग आजकल तो सूचना का आदान प्रदान होता है, वीडियो आ रहा है, साहेबगंज के डीसी कह रहे हैं समदा घाट से जहाज खुली थी, दिन में जहाज खुली थी और कह रहे बीच गंगा में जहाज खराब हो गया टेक्निकल के कारण। और दूसरा जो वीडियो कटिहार तरफ से लोगों ने भेजा, जो आदमी जान बच मैंने किसी प्रकार से बच करके उधर गया, उन्होंने आप ही लोगों की तरह न्यूज में वो बता रहे हैं कि उनसे
कोई न्यूज है कटिहार का न्यूज, उन्होंने बता रहे हैं कि भाई कहां डूबा, कहां से चला, वो साफ कह रहे हैं कि भाई समदा घाट नहीं गरम घाट से 10:40-50 पर वहां से जहाज चली है। आप सोचिए जो डीसी कह रहे हैं कि दिन में 11 बजे दोपहर में चली है, जहाज में जो व्यक्ति सवार है जो जान बचा किसी प्रकार से, वो कह रहे हैं 10:40-50 पर रात में जहाज चली है और गरम घाट से जहाज चली है, और ये कह रहे हैं समदा घाट से चली है दिन में चली। हाँ बताओ भाई, जो डीसी इतना झूठ बोले उनके मतहत जो कर्मचारी काम करता है, एसी हो या एसडीओ हो एमबीए हो, वो लोग कैसे निष्पक्ष जांच करेंगे? सरकार किसको बेकूफ बना रही है? और लोगों ने यहां तक किया, जब जहाज रात में वहां फंस गया तो रात में उन लोगों ने किसी प्रकार से उस क्षेत्र से किधर ले आया, झारखंड की तरफ लोग जहाज को ले आया, फिर ताकि ये दुर्घटना बिहार में नहीं हुई, इसलिए अभी तक भी ये तय नहीं हो पाया कि घटना बिहार में हुई कि यहां हुई है। लाश कहां मिल रहा है? बिहार में मिल रहा है, आज तो दिखा रहा है। मैंने इसलिए कहा कि ये पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। दो राज्यों के मामला है, 24 तारीख की रात में घटना घटती है और आज 27 तारीख हो गया और अभी तक ये निर्धारित नहीं हुआ कि जहाज की दुर्घटना कहां हुई, कैसे उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहां आज हेमंत सोरेन की सरकार है, उनके गुर्गे लोगों ने टेंडर ठेका ले रखे हैं, सच को मिटाने की, सबूत को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार से, अभी तक ये तय नहीं हो पाया है। भाई ऐसा कैसे चलेगा लोट की? और इसलिए मैं आज भी सरकार से मांग कर रहा हूं कि भाई पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराइए और वहां के उपायुक्त को सस्पेंड करिए, उनके जो वहां उपायुक्त रहेंगे, और निष्पक्ष कैसे ये लोग जांच कर सकते हैं, कैसे संभव हो सकता है, किसको ये बेवकूफ बना रहे हैं? और सरकार अगर ये सोच रही है कि हम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं, इस जांच को हम कराएंगे, किसी भी सूरत पर कराएंगे, इसकी लड़ाई हमको जहां तक लड़नी पड़ेगी हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम मामले की हम जांच कराएंगे और वहां के उपायुक्त है, वहां के एसपी है, जो लोग लूट में शामिल है उन लोगों को हम सजा दिला करके रहेंगे। ऐसा नहीं चलेगा, कानून की राज्य को झारखंड में स्थापित करना है, ना कि एनार्की पैदा करनी है। तो जिस प्रकार से आज ये लोगों ने आतंक मचा रखा है, लूट मचा रखा है, कानून को ये लोग ठेंगा पर रखे हुए है, तो ऐसा नहीं चल सकता है। और इसीलिए मैंने आज आप सब लोगों के समक्ष बुलाया हूं कि भाई हमने विधानसभा में इतना कहा था, लेकिन आप तो एकदम बिल्कुल धीरे धीरे परत दर परत खुल रहा है, और आज भी अगर सरकार सचेत नहीं होता है तो हम इस मामले को, हमें जहां तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जितनी भी लड़ाई लड़ने का जो कानूनी आधार होगी, उन सारे आधार का हम इस्तेमाल करेंगे इस लड़ाई में और हम जांच निश्चित रूप से कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।